जिंदगी की दौड़ बहुत लंबी है, जिंदगी की दौड़ बहुत लंबी है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है, यही हमारा काम है और आगे तक अच्छा ही करना है। 1 2 3 मैं फ्लिपकार्ट के विषय से कुछ नॉलेजफुल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि बहुतों को ये होता है, कभी कभी एक लोकेशन का एड्रेस डाल देते हैं और पता चलता है कि कहीं जाने के बाद फिर दूसरी जगह भी कुछ मंगाना पड़ता है, तो एड्रेस चेंज करने में बहुतों को बहुत ही दिक्कत होती है। तो फिर मैं यही बहुत साधारण तरीके से सबको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि एड्रेस किस तरह आपको बदलनी है और कहाँ से आपको बदला जाता है। तो ठीक, आपको मैं ले जा रहा हूँ अभी मेरे मोबाइल पे फ्लिपकार्ट के ऐप पे। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट का ऐप हो गया, अब इसको प्रेस करते ही आपको इस तरह के व्यू नज़र आएंगे और ये जो 3 लकीरें दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट एक्सप्लोर प्लस, इसमें क्लिक करना है। इसके बाद ये होम पेज खुल जाएगा आपका। होम पेज खुलने के बाद ये है माय अकाउंट, माय नोटिफिकेशन, है ना। तो माय अकाउंट पे क्लिक करनी है आपको। माय अकाउंट पे क्लिक करते ही ये व्यू आएगी माय अकाउंट की। तो यहाँ पे आपका नाम भी शो करेगा, अगर है नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नीचे माय एड्रेस। ठीक है, माय एड्रेस पे आपको क्लिक करना है व्यू मोर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, इस पे दबाना है व्यू मोर पे। व्यू मोर पे दबाने के बाद आपको लगेगा कि मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो होता, लेकिन नहीं होगा। फेवरेट एड्रेस यहाँ भी क्लिक करेंगे, नहीं होगा। ठीक है, तो आपको प्रेस करना है ये एड एड्रेस पे। ठीक है, देखिए मेरा ये एड्रेस है निजुली अरुणाचल प्रदेश, ये पिन कोड था तो मैंने कर दिया नो। ठीक है, तो यहाँ से आप भर सकते हैं, जैसे कि आपका फोन नाम यहाँ भरना है, फोन नंबर भरना है, पिन कोड भरना है, स्टेट रुकेट सिटी है ना, हाउस नंबर भरना है, नेम भरना है, रोड नेम भरना है, एरिया कॉलोनी कहाँ रहते हैं, तो ये करके आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। यहाँ पे प्रेस करने के बाद ही सक्सेस हो जाएगी। अगर कुछ गलत हो भी गया होगा तो इस तरह का आएगी, वहाँ प्रेस करने के बाद अगर कुछ गलत हो भी गया हो आपसे तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं, ये भी प्रोसेस में आपको बहुत बढ़िया से दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये साइड में देखिए 3 डॉट लगे हुए हैं, ये 3 डॉट को ऐसे दबाना है, ऐसे प्रेस कर दिया, रिमूव और एडिट, ये आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद जैसे मैंने लिखा था ना वही आ गए। अगर मुझे कुछ भी बदलना है यहाँ का, जैसे ये, ठीक है, ये ऑप्शन आया तो इसको काट के अगर कुछ भी आपको सही करना है तो बस कर दिया आपने। जैसे ये फोन नंबर ऐसे हुआ होगा कुछ तो ऐसे काट दिया आपने, तो उससे फिर सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आगे के लिए फिर कुछ ऐसे नया वीडियो बना के लाऊंगा सबके लिए। धन्यवाद।